आज हम वर्कशीट नंबर 28 देखने वाले हैं। ये सिक्स्थ ऑफ वर्कशीट है जो सिक्स टू एट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वर्कशीट के अंदर एक गेम बना रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक से लेकर 100 तक की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। इंग्लिश में भी सेम है, तो एक से लेकर 100 तक की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस वर्कशीट में आपको एक गेम खेलने के लिए दी जाएगी, उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आएगा। तो इस वर्कशीट को पहली बार तो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। इसके अंदर आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में एक से लेकर 100 तक संख्या लिखनी है, जैसे एक पेज पे एक बोर्ड गेम हम बना सकते हैं। और एक, चार, दस, इस तरीके से जितने भी ये डार्क वाले नंबर्स हैं जिनको इन्होंने बोल्ड कर रखा है, आप इनको क्या कर सकते हैं, एक बार इनको कलर कर सकते हैं कि भाई इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स को डार्क कर रखा है। तो ये सब कुछ करने के बाद 100 तक हमारी गेम बोर्ड हो जाएगा तैयार। तो इस गेम बोर्ड को तैयार करने के बाद कुछ रूल्स हैं, आइए चलते हैं कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं, ये नीचे दिए गए हैं रूल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो देख लेते हैं। एक या छह आने पर आगे बढ़े, मतलब आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, वन और सिक्स। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डाइस चाहिए, मतलब एक पासा जिसपे 6 अंक तक होता है, एक से लेकर 6। उस पे आप रोल करेंगे तो एक या छह आने पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर दो या तीन जितने भी लोग हैं आप उनके साथ खेल सकते हैं, अपनी सिस्टर, अपने फादर मदर, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ आप फिर इसको खेल सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी। तो किससे स्टार्ट करना है, पहला रूल है एक या छह आने पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चार पे पहुंचते हैं, अगर आपका नंबर चार पे आ जाता है तो आपको क्या करना है, हंसना है 2 बार, जोर से हंसना है 2 बार। अगले पे आ जाते हैं, 10 पे अगर आप आ जाते हैं तो 10 पे आ गए तो आपको इंग्लिश में 5 फ्रूट के नाम लिखने हैं, 5 फ्रूट के नाम आपको इंग्लिश में लिखने हैं। और अगर 15 पे आ जाते हैं तो आप 6 स्टेप्स अहेड, मतलब 6 स्टेप्स आगे चले। इसका मतलब हो गया, अगर आप 15 पे पहुंचे तो जैसे ही 15 पे पहुंचे, जैसे सांप सीढ़ी होती है उसमें आगे बढ़ जाते हैं सीढ़ी पे चढ़ते, उसी तरीके से 15 पे आपके सपोज करो आप पहुंचे तो आप 1 2 3 4 5 6, अब अपना डाइस, अपनी गोटी जो होती है लाल या हरी या कोई भी चीज, अगर आपके पास गोटी नहीं है तो आप शॉर्पनर रख लीजिए या रबड़ रख लीजिए या आपका बटन हो गया, बटन भी रख सकते हैं, तो आप ये कुछ भी आप चीज रखें और उसको आप आगे बढ़ा देंगे 21 पे पहुंच जाएगा। अगर आप 22 पे पहुंच जाते हैं, नेम 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से 4 पार्ट्स ऑफ प्लांट हो सकते हैं, लीफ हो गया, आपका फ्लावर हो गया, रूट्स हो गई, स्टेम हो गया, उसी तरीके से आप इसको हिंदी में भी बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक पौधे के। अगर आप 27 पे पहुंचते हैं, किसी मनपसंद गाने के 4 लाइनें गाकर सुनाइए, तो आपका जो जो फन पार्ट हो जाएगा वो यहीं पर हो जाएगा। यहाँ पर तो आपका मनपसंद गाना होगा, उसकी कोई भी 4 लाइनें आपको गानी है अपने दोस्त के साथ। अगर आप 27 के बाद 36 पे पहुंचते हैं, नेम एनी टू वेजिटेबल्स, मतलब सब्जियों के नाम बताइए, तो 36 पे हो गया सब्जियों के नाम बताइए। और 39 पे हो गया, 1 से 30 के बीच की 15 सम संख्याओं को लिखे। सम संख्याओं का मतलब हो गया, मतलब इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का मतलब हो गया जो 2 के पहाड़े में आते हैं, मतलब 2 4 6 8, इस तरीके से चलते हुए 30 तक लिखने हैं। बिटवीन लिखना है, अब ध्यान रखें 30 को काउंट ना करें, सिर्फ 28 तक आएगा, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है उसके पहले तक। तो 39 पे पहुंचने का रूल हमने देख लिया। 41 पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। 10 माइनस 4 प्लस 9, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, 6 प्लस 9 कितना हो गया आपका, 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आप इसको खुद भी करके देख सकते हैं, हिंदी में भी सेम ही क्वेश्चन है ये।
और उसके बाद आ जाएगा 44, पानी बचाने पर दो स्लोगन बनाए। तो इसके ऊपर कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर आपको स्लोगन बनाने हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कुछ भी दो स्लोगन हो सकते हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। और उस तरीके हिंदी में हो जाएगा, मैं एक बता रहा हूँ, जल ही जीवन है। तो आप दूसरा खुद सोचें कि आपको कौन सा अच्छा बेहतरीन लगता है स्लोगन, आपको भी पता होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद देख लेते हैं कुछ और रूल्स हैं। 50, राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग। तो आप लिविंग बींग मतलब कौन होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, जीवों के कोई तीन लक्षण बताइए। तो लिविंग बींग, जैसे हम इंसान लिविंग बींग है, हमारे क्या लक्षण है, जीने के क्या लक्षण होते हैं। लिविंग लिविंग बींग्स ग्रो, पहले बताओ, हम ग्रो करते हैं, कोई भी ले लीजिए, आप प्लांट ले लीजिए या फिर आप एनिमल ले लीजिए, वो ग्रो करते हैं, पहला करेक्टरिस्टिक्स हो गया। लिविंग बींग्स ब्रीद, तो हम ब्रीदिंग भी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स हो गए, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और तीसरा क्या होगा, वो आप सोच के बताएं कि तीसरा लिविंग बींग का लक्षण क्या हो सकते हैं। 56 पे पहुंचते हैं, एक चुटकुला सुनाएं। बढ़िया, ये तो चुटकुला आपको आता होगा कोई ना कोई, वो आप सुना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 62, जंप विद जॉय 3 टाइम्स, मतलब आपको कूदना है 3 बार और खुशी से कूदना है अच्छे से। 71, मिस अ चांस। मिस अ चांस का मतलब हो गया एक बारी छोड़ो, मतलब आपकी बारी, जो सामने वाला जो पार्टनर होगा वो 2 बार करेगा, 2 बार चलेगा। 75, 5 कदम आगे चलो, मतलब अगर आप 75 पे पहुंच गए हैं तो आपकी जो गीटी होगी 1 2 3 4 5, 80 पे पहुंच जाएगी बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद आ जाता है 83 पे, क्लैप विद जॉय 10 टाइम्स, 10 बार ताली बजाए, ताली बजानी है 10 बार। 87, 2 बाजी और चलो, तो इसका मतलब हो गया 2 एक्स्ट्रा मूव्स, इसका मतलब हो गया आपको डाइस 2 बार और फेंकना है। तो 87 पे जैसे अगर आप पहुंच जाएंगे, तो सपोज करो आप 87 पहुंच गए, फिर आप एक बार डाइस चलोगे, उसमें 2 आया तो आप 89 पे पहुंच जाओगे, फिर एक और बार आप चलोगे, सपोज करो 3 आया तो आप 92 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 2 एक्स्ट्रा मूव्स मिलेंगे अगर आप 87 पे पहुंच गए। 94, मिस 2 चांसेस, अगर आप 94 पे पहुंच गए तो अगले 2 चांसेस आप मिस कर देंगे, इसका मतलब आपका दोस्त जो होगा या रिलेटिव होगा वो 2 बार चांसेस और एक्स्ट्रा चलेगा। ओहो, 98 तो बहुत ही खतरनाक है, सीधा 11 पर जाइए। तो अगर ये तो बिल्कुल ही सांप जैसा हो गया, तो स्नेक पेन लैडर में होता था ना, सांप सीढ़ी में, सीधा यहाँ से सांप 11 पे पहुंचा देगा, तो इस पे मत पहुंचिएगा, ये बहुत ही खतरनाक नंबर है, अगर यहाँ पहुंचे तो वापस से आपको ये सब कुछ करना पड़ सकता है। ओके, एनीवे, इसी का ही तो मजा है, सांप सीढ़ी में इसी का ही मजा होता है कि कई बार आगे जाते हैं, कई बार पीछे चले जाते हैं। ओके, 100, 100 पे पहुंचते ही आप खुशी मनाइए, बिकॉज आप गेम खत्म कर चुके हैं, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। तो यहाँ पे जीत हार की बात ही नहीं है, आपको अच्छे से इसको खेलना है और जो गेम है उसको एंजॉय करना है। आइए चलते हैं, इसके आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, उनको भी देख लेते हैं। पहला है, हाउ डू यू लाइक दिस गेम। आइए, आप तो खेलने के बाद ही पता चल पाएगा कि हाउ डू यू लाइक दिस गेम। इफ यू लाइक, आई लाइक दिस गेम वेरी मच, आई एंजॉयड विद माई फ्रेंड माई फैमिली, जिसके साथ भी करा वो आप एक लाइन लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं, आप ये खेल कैसा लगा, मुझे खेल बहुत ही अच्छा लगा। तो और इसमें एक्सप्लेन करना चाहे तो आप इसके अंदर एक दो लाइनें और लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, विच एक्टिविटी ऑफ दिस गेम डू यू एंजॉय इट अलॉट, कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी, किस चीज से आपको खुशी मिली, वो आप कौन से पार्ट में आप रुके हुए, आपको वो बताना पड़ेगा। तो ये गेम सारी की सारी क्या है, आप खेलेंगे उसके बाद ही इसमें आपको आंसर लिखने में मजा आएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, विच टास्क ऑफ दिस गेम टुक मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट, तो आपको कौन सी ऐसी
इसमें से जो यहाँ पे जो दे रखे हैं काम, किस काम को करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, तो ये आप जब काम करेंगे तो ही पता चल पाएगा। विच टास्क ऑफ दिस गेम वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, कौन सा काम सबसे मुश्किल था करना इनमें से। तो ये आज का पूरी वर्कशीट जो है वो सारी की सारी इस गेम बोर्ड के ऊपर है। उम्मीद करता हूँ ये गेम बोर्ड आपको समझ में आया होगा। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, आप क्या करें, एक नोटबुक लें और उसके ऊपर 1 से लेके 100 तक गिनती इस तरीके से लिख दें, और चाहे तो बॉक्स बना के लिखें। ऐसे में 10 बॉक्स बनाएं और ऐसे में 10, इससे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसके अंदर 10 बाय 10 का जब आप स्क्वायर बनाएंगे उसके अंदर 100 बॉक्सेस बन जाएंगे। तो उसके बाद आप इसको जो भी डार्क कर रखे हैं, बोल्ड कर रखे हैं ये, उनको आप क्या करें, कलर कर दें, ताकि आपको साफ साफ पता चल जाए यहाँ पर मुझे रूल बुक पढ़नी है। उसके बाद आप ये रूल बुक पढ़ें और जो भी टास्क दे रखा हो वो आप अच्छे से करें। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो इसके अंदर आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर दोबारा। अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन अगर नहीं दबाया हो तो प्लीज प्रेस कर लें, ताकि आपको अगली वर्कशीट का लिंक जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।